मेरे प्यारे मित्रों, आप सबको मेरा नमस्कार। मेरा नाम है कमरान खान, मैं तीसरी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आज आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरी कहानी का नाम है रेलगाड़ी। पिंकी बहुत प्यारी लड़की थी। पिंकी कक्षा दूसरे में पढ़ती है। एक दिन उसने अपनी किताब में रेलगाड़ी देखा। उसे अपनी रेल यात्रा याद आ गई, जो कुछ दिन पहले मम्मी पापा के साथ गई थी। पिंकी ने चौक उठाया, फिर क्या, दीवार पर रेलगाड़ी का इंजन बना दिया। उसमें पहला डिब्बा जुट गया, दूसरा डिब्बा जुट गया, जुटते जुटते कई सारे डब्बे जुट गए। जब चौक ख़त्म हो गया, पिंकी उठी। उसने देखा कक्षा के आधे दीवार पर रेलगाड़ी बन चुकी थी। फिर क्या हुआ, रेलगाड़ी दिल्ली गई, मुंबई गई, अमरीका गई, नानी के घर गई, दादाजी के भी घर गई। नैतिक शिक्षा, बच्चों के मनोबल, कल के भविष्य के निर्माण आज से होना चाहिए। धन्यवाद।